अब तो पैकेट लॉस नहीं है। समाना सेंटर इज इट ओके? समाना सेंटर ब्राइटनेस इज ओके? ठीक है बच्चे। पठानकोट सेंटर, पठानकोट सेंटर आपकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर रहे हैं, एक बार देखो। ठीक है बेटा, ज्यादा हो गई। इज इट ओके? आप ठीक है? ओके बाय। नाउ मैटर्स ऑफ प्रिपरेशन वी आर फिनिश्ड विथ। कौन सा टॉपिक बेटा? एक्सेसिव कूलिंग का मतलब है हम किसी के वेपर्स को एकदम से फ्रीज कर देंगे सो दैट इट शुड बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड। अगर वो लिक्विड स्टेट में ज्यादा देर रहता तो लिक्विड लिक्विड से कंबाइन करके नीचे गिर जाएगा, ग्लोब्यूल बड़ा हो जाएगा, इट हैज टेंडेंसी टू सेटल डाउन। लेकिन अगर हम उनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रोजन स्टेट में इट विल नॉट सेटल डाउन। ठीक है, तो एक्सेसिव कूलिंग में वी हैव क्लस्टर्स, दोज क्लस्टर्स आर इन फ्रोजन स्टेट कोलाइडल रेंज एंड वी कैन गेट कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे ब्रिडिक्स आर्क मेथड में भी पहले हमने क्या किया, मोल्टन स्टेट बनाई और फिर उसको एकदम से आइस बाथ में रखा हुआ था ताकि वो फ्रीज हो जाए, और जैसे वो फ्रीज हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, कोलाइडल सोल। क्लियर? तो मर्करी सोल, गोल्ड सोल, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, पानी में डालने से पहले उन वेपर्स को एकदम से एक्सेसिवली कूल कर दिया जाता है ताकि वो एकदम से फ्रीज ही कर जाए। नेक्स्ट मैथड, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स। फर्स्ट मैथड इज डायलिसिस। Second we have is electrodialysis. And third method is ultrafiltration. Ultrafiltration. When we say dialysis, the purification actual भी है क्या? Purification का मतलब है removal of electrolytic impurities from colloidal solutions, from colloidal salts। हम बताते हैं कि colloidal solution जब बनते हैं तो इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है सो दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड वेल। वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है कि अगर उसका अमाउंट ज्यादा भी हो जाता है तो अगर हम चाहते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है उसे निकाल दिया जाए तो उसे हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन टेक्निक, यानी इम्प्योरिटीज को हटाना। उसके लिए हमारे पास मैथड है डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हेन वी सी डायलिसिस, बेटा डायलिसिस का मतलब है हम एक सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन का पाउच सा लेंगे। दिस इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन के नाम से आपको याद आना चाहिए ऑस्मोसिस। इसके बीच में हमने डाल दिया कोलाइडल सोल। नाउ दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन और बाहर है हमारे पास प्योर वाटर। Here we have solvent that is water. अंदर हमारे पास है colloidal sol. इसमें जो ions present है, if there are ions present, हम उन ions को हटाना चाहते हैं तो colloidal particles semi permeable membrane से बाहर या अंदर नहीं जा सकते।
पानी अंदर बाहर जा सकता है। और आप सबको पता है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आयंस का फ्लो अलाउ करती है, सोडियम पोटेशियम, दैट कैन फ्लो आउटसाइड और इनसाइड। पानी बाहर अंदर जा सकता है, आयंस बाहर अंदर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल बाहर और अंदर नहीं जा सकते। यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की मूवमेंट तो अलाउ करती है ना, एक पानी की मूवमेंट और दूसरा आयंस की मूवमेंट। तो ये जो आयंस है ये पानी में जाना शुरू कर देंगे, दे विल गो आउट, आयंस विल गो टू वॉटर। जब आयंस पानी में चले जाएंगे तो हम इसको रिपीट करेंगे, रिपीट इट सेवरल टाइम्स, रिपीट इट फॉर मोर देन वन एटलीस्ट, रिपीट इट अगेन एंड अगेन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़।